हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। ये जो आप चार्ट देख रहे हो, वन डे टाइम फ्रेम में हमने चार्ट को सेट कर लिया है। आप देख सकते हो रिसेंट हाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 300 का लगाने के बाद स्टॉक में जो है हमें कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 135 और उसके भी नीचे स्टॉक में हमें लेवल्स अचीव होते हुए दिखाई दे चुके थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़े फॉल के बाद में फिर से ऊपर की ओर हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऊपर के लेवल पे लोग फंस चुके हैं उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 130 से लेकर ऑलमोस्ट 140 का, क्योंकि पहले भी स्टॉक इसी लेवल पे आने के बाद में यहीं पे सपोर्ट लेके 2020 में यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर हमें इसमें बाउंस देखने को मिला था। अब पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि फर्दर यहीं से हमें अगेन तेजी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है 174 का, 174 को ब्रेकआउट होना चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद में नेक्स्ट लेवल हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं 210 से लेके 220 के, इसको भी ब्रेकआउट करने के बाद में फर्दर स्टॉक में जो है 240 के लेवल देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद में हमें 300 के लेवल्स अचीव होता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। फिलहाल अगर से यहाँ पे आप नई न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो ये सपोर्ट जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी फर्दर बाउंस देखने को मिल जाए। अभी बात करते हैं एमएसडी इंडिकेटर की, तो यहाँ पे तो हमें बेरिश क्रॉसओवर देखने को मिला था, आप देख सकते हो यहीं से गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो जाता है तो यहाँ से तेजी भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। फिलहाल तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में कारोबार करता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से ऊपर की ओर बाउंस भी करता है तो 150 से लेकर 300 यानी कि 100% की शानदार रिटर्न स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसके टिकर टिप वेबसाइट पे। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंजल वन अपस्टॉक्स की, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स में स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद नीचे की साइड स्टॉक का नाम दिखाई देगा, उसके नीचे से करंट प्राइस कितने परसेंट से ऊपर गया नीचे गया यहाँ पे आपको इसके पॉइंट्स दिखाई देंगे। स्कोर कार्ड की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस लो देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज बता रहा है। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक इज अंडर प्राइसड, इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, मतलब आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं क्योंकि स्टॉक अंडर प्राइसड भी है और ओवरबॉट जोन में भी नहीं है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नो रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग के लिए एंट्री का प्लान करते हैं तो एक बार जरूर नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। दोस्तों, यहां तक तो आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा, स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क हमें देखने को मिल जाता है। आप सभी को बताए जी एंटरटेनमेंट यहां पे क्या इनका जो है बिजनेस है। और अगर हम बात करेंगे इसके फोरकास्ट एंड रेटिंग की तो यहां पे आप देख सकते हो 12 एनालिस्ट जो है हमें 42% बाइंग की सलाह दे रहे हैं, जो कि ठीक ठाक सलाह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अबाउट 60% की सलाह होती तो काफ़ी अच्छी सलाह हम उसको कंसिडर कर सकते थे। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में एंट्री बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करके ही उसमें एंट्री का प्लान करें। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।